नमस्कार दोस्तों, जीना इसी का नाम है द गुंजन शो में। मैं गुंजन एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। और सुबह का टाइम है, बच्चे अभी अभी स्कूल गए हैं, मम्मी सिया को स्कूल छोड़ने के लिए गई हैं। तो सब लोगों के जाने के बाद सबसे पहला जो काम होता है वो है बेड ठीक करना, क्योंकि सुबह की जल्दबाजी में जब बच्चे जाते हैं तो बस बेड ऐसे ही पड़ा रह जाता है, उनके जाने के बाद ही सेट होता है। तो बस यही सब मैं कर रही हूँ। और सुबह के टाइम ना तो बस ये रहता है कि किसी तरह फटाफट टाइम पे बच्चे स्कूल चले जाएं, काम तो सब हम बाद में करते रहेंगे, तो उस चक्कर में काफ़ी चीज़ें फैल जाती हैं। वैसे जब बाद में करते हैं तो आराम से जहाँ से चीज़ें उठाते हैं वहाँ पे रख देते हैं, लेकिन जब बच्चों का स्कूल जाना होता है तो फिर तो ये है कि फटाफट बच्चे चले जाएँ, तो इस चक्कर में काफ़ी सामान फैल जाता है। तो वही सब मैं सेट कर रही हूँ और डस्टिंग वगैरह भी थोड़ी बहुत किए देती हूँ अभी, क्योंकि अभी मतलब पोछा वगैरह नहीं लग पाया। तो रात ना इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था ओम का, तो ये जो गत्ता होता है उस पर बनाया था, तो इसमें ये हैंडल लगा हुआ था, इसमें ना शायद सिया का जो वो था डॉल हाउस वो आया था। तो इस तरह के मतलब बॉक्सेज हमारे पास रहते हैं, तो इनमें जो ज़्यादा बड़े आते हैं उनमें हैंडल होता है, तो मैं इसका हैंडल निकाल के रख देती हूँ। इस तरह की चीज़ें जो कुछ मतलब लगता है कि मुझे यूज में आ जाएंगी तो मैं उनको अलग करके रख देती, तो मैंने इसको फ़िलहाल अलग रख लिया। और अभी मेरे माइंड में कुछ नहीं है कि मैं इसका क्या करूँगी, फ़िलहाल तो बस मैंने निकाल के रख लिया, लेकिन हाँ जल्दी कुछ करूँगी, वरना अगर एक बार रख के भूल गई ना फिर नहीं याद रहता कि कब कहाँ हमने क्या रखा था। तो बस इसके बाद मैं मशीन में कपड़े डाल देती हूँ, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, वैसे तो मतलब धूप काफ़ी तेज़ निकलती है लेकिन एकदम बादल से आ जाते हैं, तो फिर यही है कि जब भी धूप निकले कपड़े मशीन में डाल देती हूँ, सुखा दूँगी, वरना ये है कि अगर धूप नहीं लगेगी कपड़ों को तो स्मेल सी हो जाती है। और मैंने कल नहीं लगाई थी तो आज तो मैं ज़रूर लगाऊंगी अभी, वरना मैं शाम को लगा लेती हूँ, लेकिन आजकल वो है ना मौसम का पता नहीं चलता। तो अभी धूप निकली हुई है इसलिए मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए हैं, जब तक ये धुलेंगे तब तक मैं अपने बाकी काम कर लेती हूँ, क्योंकि यही है सुबह के टाइम जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम जल्दी हो जाए उतना ही टाइम फिर हमें बाद में मिल जाता है अपने लिए कुछ काम वाम अगर हमें करना है। तो बस मैं मशीन लगा के ना एक मुझे आज आटा सुखाना है, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना अभी धूप काफ़ी तेज़ निकली हुई है तो दोपहर बाद तक बादल होने स्टार्ट हो जाते हैं। और वैसे ना इस बार हमारे यहाँ पे अभी तक बारिश नहीं हुई, बस एक बार हल्की फुल्की सी हुई है और काफ़ी गर्मी हो रही है, लेकिन जो ये मौसम होता है ना बरसात वाला, इसमें चीज़ों में अपने आप ही मॉइस्चर सा आ जाता है और चीज़ें ख़राब होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं, जैसे कि कीड़े पड़ जाते हैं, सुरसुरी हो जाती है। तो इस बार ना मेरे पास आटा कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में था, वैसे तो हम कम ही लेते हैं लेकिन इस बार ज़्यादा है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको सुखा देती हूँ, क्योंकि धूप निकली हुई है तो 2-3 घंटे की धूप लग जाएगी और ऊपर तो मैं सुखा के नहीं आऊँगी, क्योंकि इतनी तेज़ धूप निकलती है एकदम से, तो गर्मी में थोड़ा वैसे भी मुझे तबीयत ख़राब सी रहती है और यहाँ पे बाहर काफ़ी अच्छी धूप लग जाती है। तो बस मैंने इसको सुखा दिया है और फिर ना जब मैं इसको शाम को या 2-3 घंटे बाद थोड़ा जब भी मुझे टाइम मिलेगा इसको छान के भर लूँगी, और अभी नहीं छानूंगी क्योंकि अभी इतना टाइम मेरे पास नहीं है, अब तो है कि बस फटाफट काम हो जाए। तो आटा करते करते ही मेरे दिमाग में आया कि जो मेरे पास हैंडल है इसका यूज मैं किए देती हूँ, तो क्या यूज मैं इसका करती हूँ वो आप देखिए। हमारे पास ना हर प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ जुगाड़ ज़रूर होता है, तो कुछ भी प्रॉब्लम हम कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल ही लेते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसका क्या जुगाड़ करने वाली हूँ। अक्सर हमें इसका जो कमोड का ये ढक्कन होता है इसको खोलने बंद करने के लिए हाथ से करना पड़ता है, तो मतलब काफी मन खराब होता है, मन नहीं करता, मतलब मेरा तो बिल्कुल नहीं करता। और मेरी बेटी जब बार बार टॉयलेट के लिए आती है तो वो इसको कहेंगे कि मम्मा ऊपर कर दो, तो मुझे लगा कि ये अच्छा जुगाड़ है इसके लिए। तो इसके लिए हमें करना क्या है, हमें ये जो डबल साइड टेप आती है ये लेनी है। पहले मैं इसको ले लेती हूँ, और इसके हम 2 पार्ट कर लेंगे। और जो ये हमने लिया है हैंडल, इसके जो ये पॉइंट है दोनों व्हाइट वाले, इन पे पेस्ट कर देंगे। कुछ इस तरह से देखिए, और अब इसको हम इसके ऊपर ऐसे अच्छे से सेट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको इस तरह से ओपन क्लोज कर सकते हैं।
तो कैसी लगी मेरी ट्रिक? तो फ्रेंड्स, मैंने तो अपनी प्रॉब्लम का जुगाड़ निकाल लिया और वो भी बिना किसी खर्चे के। तो आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी ये ट्रिक कैसी लगी। तो अब चलती हूँ मैं नहाने के लिए, क्योंकि मम्मी पूजा कर रही हैं और फिर मुझे नाश्ता भी बनाना है, तो मैं फटाफट नहा के आती हूँ। वैसे तो गर्मी के मौसम में कितनी भी बार नहा लो अच्छा ही लगता है, लेकिन गर्मी इतनी हो रही है कि नहा कर आओ बाथरूम से फिर ज्यों की त्यों बात, और किचन में काम करके तो पता ही नहीं चलता कि हम नहा के आए हैं, पसीनों से नहाए हुए हैं। तो गर्मी काफ़ी हो रही है, पता नहीं आपके यहाँ पे किस तरह का मौसम होगा, क्योंकि कहीं कहीं जगह पे तो मतलब बाढ़ भी आई हुई है और काफ़ी बारिश हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ पे यूपी में मुजफ्फरनगर में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। सिर्फ एक दिन बारिश हुई थी हल्की फुल्की, और उस दिन भी काफ़ी गर्मी थी और मतलब काफ़ी गर्मी पड़ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत बुरा हाल है। तो बस नहा के आए हैं जैसे भी, और जाके किचन में पसीनों में नहा लेंगे, लेकिन भाई कैसा भी हो भूख तो लगती है, चाहे गर्मी हो सर्दी। तो बस मैं बनाऊंगी अपना और मम्मी का नाश्ता, क्योंकि बाकी सब लोग तो जा ही चुके हैं, वो तो अपना लंच लेके गए हैं, तो मेरा और मम्मी का ही बाकी था। तो पहले मैं फटाफट नाश्ता बना लेती हूँ। नाश्ता बना के मैं पहले मम्मी को दे दूंगी, क्योंकि मैं अभी थोड़ा रुक के करूंगी, अभी मैंने पूजा नहीं की है। तो बस अपना भी साथ के साथ बना के रख दूंगी, क्योंकि मम्मी को लेनी होती है दवाई, तो बस ये रहता है कि नहाने के बाद फटाफट उनका नाश्ता बन जाए। तो मैं तो मतलब कान्हा जी को नहला के पूजा करके तब करूंगी, और अपना मैं बना के अभी रख दूंगी, अभी ये थोड़ी ना कि बार बार बनाऊंगी। तो ये मैंने सुबह आलू बैंगन बनाए थे, चाय बनाई है और पराठे। आ जाइए अभी नाश्ता करने के लिए। तो बस मम्मी को नाश्ता देने के बाद मैंने साथ के साथ ही अपना बना के रख दिया, और बस अब मैं पूजा करूंगी और उसके बाद फिर नाश्ता कर लूंगी मैं भी अपना। तो किचन का काम तो जब भी फिनिश होगा, जब नाश्ता हो जाएगा उसके बाद फिर मतलब बर्तन वगैरह साफ होंगे, तो फिर उसके बाद तो मतलब किचन का फिनिश हो जाता है, फिर तो बाकी घर की क्लीनिंग वगैरह वही काम करने होते हैं। तो सबसे पहले मैं चलती हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है सुबह के टाइम। देखिए अगर सुबह कितना भी जल्दी कर लें, जब नाश्ता बनाना होता है, इनका लंच बनाना होता है, तो मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है। तो कहते हैं ना कि भोजन और भजन तसल्ली से करने चाहिए, तो इसलिए मैं नहा के बाद में फिर पूजा करती हूँ। तो मैंने फिर नाश्ता कर लिया और पूजा कर ली थी, उसके बाद नाश्ता कर लिया, और अब मैं किचन में आ गई। जो ये थोड़े बहुत नाश्ते के बर्तन है वो मैं साफ़ किए देती हूँ, और किचन क्लीन हो जाएगा बस फिर मेरा, फिर उसके बाद कोई ऐसा ज़्यादा काम किचन में नहीं रहता। तो मैं सोच रही थी कि जो किचन की दीवार है ऊपर से वो काफ़ी गंदी हो रही है, उनको साफ़ कर दूं, क्योंकि देखिए जब टाइल्स वगैरह तो हम जब खाना बनाते हैं उसके बाद काउंटर टॉप जो क्लीन करते हैं तो उसके साथ साथ कर ही देते हैं, लेकिन जो ऊपर की दीवार होती है उसके लिए तो स्पेशल अलग से टाइम निकालना पड़ता है। और हमने ना अपने किचन में ऊपर की तरफ कोई बॉक्सेस वगैरह नहीं बनवाए हुए, वो यही सोच के कि जब हम किचन में काम करते हैं तो उससे जो खाना बनाते हुए भाप निकलती है तो वो बॉक्सेस काफ़ी गंदे हो जाते हैं, और काफ़ी मतलब उस पर जो चिकनाई है वो जम जाती है, जिसे साफ़ करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो हमने ना जो मतलब अलमीरा है मसालों वगैरह के लिए वो अलग बनवाई हुई है, मैंने एक मतलब किचन टूर भी आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, हाँ मैं ये कहना चाह रही थी कि आज मैं सोच रही हूँ कि वो दीवार साफ़ कर दूँ। वैसे तो हमने उस पर प्लास्टिक पेंट कराया हुआ है, लेकिन सफाई तो हर चीज़ की करनी होती है। तो आज ना देखने में काफ़ी गंदी सी वो मुझे लगी, तो मैं सोच रही हूँ बस अब इसके साथ साथ ही मैं उसे साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो चीज़ जब दिखाई दे उसे साथ के साथ कर देना चाहिए। अगर उसे हम कल पे छोड़ेंगे तो कल को कोई और चीज़ होगी तो वो इकट्ठी होती चली जाएंगी, और फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएगा हमें करना। तो इसीलिए जो मतलब जहाँ पे भी दिखाई दे रहा है कि थोड़ी बहुत गंदगी है उसे साथ के साथ साफ़ करते चलें तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए फ्रेंड्स, दूर से देखने पर इतना पता नहीं चल रहा, लेकिन पास से देखिए कितना मतलब बारीक बारीक सी धूल से इस पर चिपकी हुई है। तो जब हम किचन में काम करते हैं तो काफ़ी भाप वगैरह होती हैं, वो जम जाती हैं कितना भी हमने चिमनी वगैरह लगाई हो। तो देखिए वैसे भी कलर ऑफ वाइट है, तो देखने में काफ़ी भद्दा ये लग रहा है। तो बस ये थोड़ा थोड़ा करके साफ़ कर दे तो फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। वैसे तो ये प्लास्टिक पेंट है, काफ़ी आसानी से साफ़ हो जाएगा, लेकिन जब वही है ना कि जब ज़्यादा दिन हो जाते हैं चीज़ें गंदगी जम जाती है तो उसको साफ़ करने में काफ़ी दिक्कत पड़ती है।
तो सबसे पहले तो मैं जो बर्तन वगैरह मैंने साफ किए इनको ढक देती हूँ, क्योंकि अभी गीले हैं स्टैंड में तो मैं इनको नहीं लगाऊंगी। और वैसे तो मेरा काउंटर टॉप खाली रहता है, लेकिन मिक्सी वगैरह जो है वो मैंने हटा दी। तो सबसे पहले जो धूल जमी हुई है जो ब्रश से हट सकती है, सबसे पहले मैंने उसको हटा दिया है, क्योंकि बारीक बारीक से जाले से इस मौसम में वैसे भी लग जाते हैं। तो अगर डायरेक्ट मैं इसको मतलब पानी से साफ़ करूँगी तो उसमें ज़्यादा मेहनत पड़ेगी, तो जितना भी हो सकता है मैंने पहले ब्रश की हेल्प से इसको साफ़ कर दिया है। जब ज़्यादा ऊंचाई पे मैं काम करती हूँ, मतलब हाथ को ज़्यादा ऊंचा उठाती हूँ, तो मेरे कंधों में पेन होने लगता है, क्योंकि मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। तो इसलिए आप देख रहे होंगे मतलब मुझे थोड़ा थोड़ा पेन होना स्टार्ट हो गया। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी क्लीनिंग बास्केट जिसमें मैं अपना साफ़ सफाई का सामान रखती हूँ। किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने इसमें क्या क्या रखा हुआ है। तो मेरे पास ना बहुत सारी जो पुरानी सॉक्स होती हैं इनके पेयर रखे हुए हैं, और मैं ज़्यादातर क्लीनिंग अपनी इन्हीं की हेल्प से करती हूँ। तो ये बाकी का सामान मैंने रख दिया, और जो मुझे एक पेयर मिला सॉक्स का वो मैंने निकाल लिया, क्योंकि मुझे इसी की ज़रूरत है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो सॉक्स होती है इनके अंदर जैसे साबुन के छोटे छोटे पीस बच जाते हैं, मैं वो डाल के रखती हूँ। तो ये मैंने एक सॉक्स ली है, और जो वाइपर होता है, वाइपर तो हम सभी के घरों में होता है, उसको कवर कर दिया इससे। तो अगर हमारे पास कोई मतलब पुराना लेगिन वगैरह है तो उसको कर ले तो वो पूरे पे आ जाएगी, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन वो मेरे पास नहीं था। तो मैंने दोनों साइड से इसमें सॉक्स डाल दिए हैं, और इसको वाइपर का जो मतलब फेस है वो कवर कर दिया, और जिससे सॉक्स निकले ना, तो मैंने इसमें रबड़ बैंड को डाल दिया। तो देखिए इससे ना बहुत आसानी से मैं दीवार को साफ कर दूंगी। और अगर आप भी मतलब कहीं ऊंचाई पे क्लीनिंग करना चाहते हैं और चढ़ना मतलब पॉसिबल ना हो पाए किसी चीज़ पे, और ये लगे कि मतलब हाथ दुखने लगते हैं या हमारा हाथ नहीं पहुंच रहा, तो आप इस तरह से साफ़ करके देखिए, बहुत इजीली साफ़ हो जाता है। और एक तो मेहनत बहुत कम पड़ती है और टाइम बहुत कम लगता है। तो मैं तो अक्सर जब भी कहीं मुझे ऊंचाई पे इस तरह की क्लीनिंग करनी होती है तो इसी तरह से करती हूँ, और काफ़ी अच्छा मुझे ये लगता है। तो देखिए वाइपर तो हर घर में ही होता है, और अगर आपके पास कोई मतलब लेगिन है तो वो आप उससे कवर कर ले तो वो भी काफ़ी ठीक रहता है। तो इस तरह से मैंने काफ़ी आसानी से इसको साफ़ कर दिया, और इस सॉक्स के अंदर ना वो था साबुन के पीसेस पड़े हुए थे, तो मैंने इसको पानी से भिगो लिया था। तो जितनी भी मतलब ये दीवार पे चिकनाई जमी हुई है आप देख रहे होंगे, बड़ी आसानी से साफ़ हो रही है। और बीच बीच में अगर ज़्यादा गंदा हो रहा है तो आप इसको धो के फिर से भी कर सकते हैं, मैंने भी एक दो बार बीच में धोया है। तो इस तरह से आप अपनी दीवारों को साफ़ कर सकते हैं, देखिए कितनी गंदगी मतलब दीवार पे से हटी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से साबुन के जो पीस थे उनके उस हेल्प से काफ़ी आसानी से साफ़ हो गई। अगर आपकी चिकनाई के दाग ज़्यादा जमे हुए हैं तो आप गर्म पानी का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से दीवारें लगभग साफ़ ही हो गई। उनको और साफ़ करने के लिए अब इस बार मैंने वाइपर पे एक सूखा कॉटन का कपड़ा रैप कर लिया है, और जो दीवारों पे छोटे मोटे मतलब जैसे कि साबुन के निशान रह गए या फिर गीले गीले से निशान रह जाते हैं, वो इस सूखे कपड़े से एकदम साफ़ हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं तो मतलब अपने काम को ईजी बनाने के लिए कुछ ना कुछ ट्रिक ढूंढ ही लेती हूँ, और इससे काफ़ी मतलब जल्दी भी हो गया, ईजी भी हो गया काम मेरा, और मेहनत भी काफ़ी कम लगी है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ट्रिक कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और आपके घर में जो ऊंची दीवारें हैं उनको काफ़ी आसानी से आप इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने फ़ैन वगैरह भी साफ़ कर सकते हैं। तो मैंने तो अपने किचन की दीवारें साफ़ कर ली, देखिए एकदम क्लीन हो गई हैं। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। फिर जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें, टेक केयर, बाय बाय।